नमस्कार, आपके अपने फर्स्ट रैंक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बीएल रिवार्ड। आज सोमवार है और हमारा विशेष सेशन जो शाम को 5 बजे चलता है वो शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले जो प्रतियोगी हैं उन्हीं को समर्पित है। और उसी की कड़ी के अंदर आज आपकी एक और नई प्रस्तुति। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है अधिगम का। और अधिगम के अंदर पिछले सेशन में हम अधिगम का प्रकार पढ़ रहे थे। अधिगम के प्रकार की ही कड़ी में आगे हम चल रहे हैं। आज एक बहुत बड़े विद्वान हैं रॉबर्ट गेने, और आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंदर वहां से सीधा प्रश्न पूछा जा रहा है रॉबर्ट गेने। तो रॉबर्ट गेने ने भी अधिगम के कुछ प्रकार बताए हैं, उसके ऊपर हम विस्तार से आज बात करेंगे। फर्स्ट ग्रेड में तो निश्चित रूप से एक प्रश्न आता है, और शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंदर एक बार यहां से सीधा क्वेश्चन पूछा गया। मध्य प्रदेश की शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंदर हर पेपर में क्वेश्चन है रॉबर्ट गेने से। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी रॉबर्ट गेने से प्रश्न पूछा जा रहा है। आप यूं कह सकते हो कि रॉबर्ट गेने को शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रतियोगियों को पढ़ना चाहिए। और आज के सेशन में आपको काफी सारी नई जानकारियां मिलने वाली है। हम सेशन को शुरू करें उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं। रीट लेवल फर्स्ट के लिए फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन ने कुछ नई प्रस्तुति है वो बाजार में उतारी है, आप इनसे लाभान्वित हो सकते हो। इस पुस्तक के अंदर जितना भी शिक्षण शास्त्र है वो एनसीईआरटी की विषय वस्तु से लिया गया है, जहां से अक्सर सीटेट और राजस्थान के शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक खास बात और है, इसमें विभिन्न जो विषय वस्तु ली गई आपकी गणित की है, पर्यावरण अध्ययन की है, हिंदी की है, संस्कृत भाषा की है, वो भी एनसीईआरटी की जो विषय वस्तु वहां से ली गई है। आगे है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की नई किताब है, नई पुस्तक है, अपडेट की हुई है, प्यारी है, आपको पढ़नी चाहिए। सामाजिक अध्ययन के लिए और गणित और विज्ञान के लिए भी दो प्रस्तुतियां हैं, नवीनतम किताब है, नवीनतम अपडेट है, वो इनमें किया गया है। ये ऑब्जेक्टिव जीके हैं और ये मैप स्टडी पर आधारित भारत और विश्व की एक पतली सी किताब है जो एसएसटी के बच्चे हैं और लेवल फर्स्ट के बच्चे हैं जीके को इंप्रूव करने के लिए उन्हें निश्चित रूप से इसे पढ़ना चाहिए। अब कल मॉर्निंग में 7 बजे का समय रहेगा। और हमारा विशेष सेशन जिसकी हमारी बात हो रही थी संविधान प्रश्नोत्तरी रामबाण संविधान प्रश्नोत्तरी, इसमें हम प्रस्तावना पे, संविधान सभा प्रस्तावना के ऊपर प्रश्न होंगे। प्रश्नों की संख्या 20 से लेकर के 25 के बीच में होगी। आधी घंटा का आपका सेशन होगा मॉर्निंग में 7 बजे। तो बढ़िया सी तैयारी कीजिए जो एसएसटी के बच्चे हैं और जो लेवल फर्स्ट के बच्चे हैं और जीके को जो इम्प्रूव करना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे बाल विकास के अंदर हमारा रामबाण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी चलता है, उसी तरह का ये आपका सेशन होने वाला है। आप ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर जो प्रश्न होंगे वो लेवल के होंगे, वो अच्छे प्रश्न होंगे, वो तथ्यात्मक न होकर के कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। जब तक आपने संविधान को बेहतरीन तरीके से नहीं पढ़ा है तब तक आप जवाब सही नहीं दे पाओगे। मैं बच्चों को ट्रॉफी देकर के खुश करने वाले प्रश्न नहीं होंगे, प्रश्न लेवल के होंगे, अच्छे होंगे, और जो बच्चे लेवल की तैयारी कर रहे हैं वही बच्चे इसका सही जवाब दे पाएंगे। शुरुआत के अंदर हम इस सेशन को आपके YouTube पर ही ला रहे हैं, बाद में इसकी हमारी कोशिश होगी कि YouTube के ऊपर ही उसको जो Zoom पैटर्न है आपका मीटिंग वाला जो पैटर्न है उसके ऊपर भी लाने का प्रयास हम करेंगे इसको, लेकिन एक बार शुरुआत है वो हम YouTube पर कर रहे हैं। प्रस्तावना, संविधान सभा, इन दोनों से जुड़े हुए प्रश्न होंगे। कल सुबह सात बजे है वो आपका सेशन होगा, आधे घंटे का सेशन होगा। और जो बच्चे आरपीसी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी की करते हैं, उनके लिए भी उपयोगी, क्योंकि आपको पता है कि संविधान का जो पोर्शन है वो जीके का एक अनिवार्य हिस्सा होता है। कोई भी परीक्षा हो वहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखिए, आपके सेशन को शुरू करें उससे पहले एक महत्वपूर्ण कोटेशन।
इंसान की नाजायज कमाई का लाभ कोई भी उठा सकता है, इंसान की नाजायज कमाई का लाभ कोई भी उठा सकता है, लेकिन उसके कर्मों का फल उसे स्वयं ही भुगतना पड़ता है। इस बात का अर्थ यह साथियों कि एक इंसान को कभी भी गलत कर्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि गलत कर्म से जो कमाई करता है उससे तो लाभान्वित बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन उसकी जो सजा मिलेगी ना वो उस आदमी को निश्चित रूप से मिलती है। तो पाप नहीं करे, किसी का नुकसान नहीं करे, किसी के बारे में गलत नीयत न रखे, अच्छे कर्म करे, विधि का शासन स्थापित करे, कानून का शासन स्थापित करने के अंदर मदद करे। आगे चलिए, अब आज आपका जो सेशन शुरू हो रहा है वो हो रहा है साथियों रॉबर्ट गिने। रॉबर्ट गिने के अनुसार अनुसार अधिगम के आयाम या आप इसको प्रकार भी कहोगे। देखिए रॉबर्ट गिने एक अमेरिकन विद्वान है और रॉबर्ट गिने ने अधिगम के ऊपर काफी वर्क किया है। ये आपके पुलिस फोर्स डिफेंस से भी जुड़े हुए रहे हैं और उसके बाद में उन्होंने अधिगम पर लगातार काम किया है और उनका एक सिद्धांत है। रॉबर्ट गिने के अधिगम के जो प्रकार हैं उनके ऊपर उन्होंने एक हायरार्की, उन्होंने एक पिरामिड दिया है कि विभिन्न तरह का जो हमारा सीखना होता है वो एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से होता है। शुरुआत जहां पर सरल से होती है अंतिम समस्या समाधान पर चला जाता है। उनका जो हायरार्की है, उनका जो पिरामिड है, उसको आप इस रूप में देख सकते हो। रॉबर्ट गिने ये कहते हैं कि हमारा जो सीखना होता है वो इस रूप में होता है। जहां पर सबसे नीचे बात कर रहे हैं वो सिग्नल लर्निंग की। सिग्नल का मतलब संकेत और लर्निंग का मतलब सीखना। संकेत अधिगम की बात करते हैं कि एक जो इंसान का बच्चा होता है वो प्रारंभिक स्तर के ऊपर संकेत अधिगम के मार्फत सीखता है और अंतिम रूप से ये जो आपका पिरामिड बन रहा है उसमें सबसे ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखता है इंसान का बच्चा। रॉबर्ट गिने ये कहते हैं कि जो हमारा ये सीखना होता है सिग्नल लर्निंग से लेकर के प्रॉब्लम सॉल्विंग तक, ये सीखना सरल से कठिन के क्रम में होता है। यहां पर रॉबर्ट गिने ने एक परीक्षा के अंदर जो प्रश्न पूछे गए मैं आपको बता देता हूं। परीक्षा के अंदर जो प्रश्न का जो भाषा होती है वो इस रूप में होगी यहां पर कि रॉबर्ट गिने के पिरामिड में सबसे नीचे क्या है या प्रारंभिक स्तर पर क्या है। तो आपका उत्तर होगा सिग्नल लर्निंग। आप इसको क्या कहोगे, इसे आप संकेत अधिगम कहोगे। इसको इस रूप में भी, हिंदी के रूप में भी मैं लेकर के आया हूं, संकेत या अनुबंध अनुक्रिया अधिगम है। रॉबर्ट गिने कहते हैं कि हमारा जो प्रारंभिक स्तर होता है सीखने का वो संकेत या अनुबंध अनुक्रिया अधिगम होता है और यह सबसे सरल प्रकार का सीखना है। यहां पर यह कहते हैं, रॉबर्ट गिने कहते हैं कि यह जो सीखना होता है यह सरल प्रकार का होता है। जैसे एक बच्चे ने अपनी मां की आवाज को देखकर के मां को पहचान लिया, मां की आवाज आई और मां की आवाज से उसने, मतलब मां की जो आवाज है वो किसका काम कर रही है, संकेत, और उससे ने इस चीज को सीख लिया कि ये जो आवाज है वो मेरी मां की आवाज है। रॉबर्ट गिने इसको संकेत के रूप में परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं। रॉबर्ट गिने कहते हैं कि इसके बाद में इसके ऊपर की जो स्टेज आती है, जो इसके ऊपर की जो स्टेज आती है वो आती है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। क्या नाम है, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। यहां पर उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम की जब बात आती है तो रॉबर्ट गिने कहते हैं कि आपने स्किनर का सिद्धांत पढ़ा होगा, स्किनर का सिद्धांत, तो स्किनर के सिद्धांत के अंदर
चूहा है, स्किनर के सिद्धांत के अंदर कबूतर है। तो स्किनर के सिद्धांत में आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चूहा पंजा मारता है तो वो प्रबलित होता है, उसको खाने को कुछ मिलता है। स्किनर बॉक्स के अंदर आपने ये भी देखा कि जब कबूतर पर्टिकुलर प्लेट के ऊपर चोंच मारता है तो खाने को दाना पानी मिलता है। रॉबर्ट गेने ये कहते हैं कि वहां पर उसका जो सीखना होता है वो उद्दीपक अनुक्रिया प्रकार का अधिगम होता है। वो क्या होता है? उद्दीपक अनुक्रिया प्रकार का। रॉबर्ट गेने कहते हैं कि उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम जो होता है उसके अंदर जब एक एक उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने से जब सुखद अनुभूति होती है तो उसी प्रकार के व्यवहार को बारंबार करता है। जैसे स्किनर के सिद्धांत में, जैसे स्किनर के सिद्धांत के अंदर पर्टिकुलर प्लेट के ऊपर जब चोंच मारता कबूतर तो उसको दाना पानी मिलता है, यह उसके द्वारा क्या की गई है? यह उसके द्वारा अनुक्रिया की गई है। इससे उसको कैसी अनुभूति होती है? इससे उसको सुखद अनुभूति होती है। जब सुखद अनुभूति होती है तो वो उसी व्यवहार को बारंबार करता है। रॉबर्ट गेने उसको उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपक क्या होता है? एक बच्चे ने मेरे को व्हाट्सएप कर रखा था, उद्दीपक उसको कहते हैं जो आपका ध्यान आकर्षित करे। उद्दीपक किसको कहते हैं? जो आपका ध्यान आकर्षित करे वो उद्दीपक होता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो मैं एक उद्दीपक का काम कर रहा हूं, मेरे हाथ में एक मार्कर है, उद्दीपक है, ये बोर्ड है, उद्दीपक है, मैंने इसे हाथ हिलाया, उद्दीपक है, लाइट है, उद्दीपक है, मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज उद्दीपक है। तो जो कुछ आपका ध्यान आकर्षित करे वही क्या होता है? उद्दीपक होता है। बिंदु क्या आता है? उद्दीपक के आधार पर जो आप रिस्पॉन्स करते हो, जो आप अनुक्रिया करते हो, इसके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ अनुक्रिया। स्किनर का जो सिद्धांत है उसको उद्दीपक अनुक्रिया के साथ में कनेक्ट किया है। इसके साथ साथ में यहां पर पहला जो संकेत या अनुबंध अनुक्रिया अधिगम है, इसको आप क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत है, जो पावलव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, उसको आप संकेत अधिगम के साथ में कनेक्ट करोगे। किसके साथ में? संकेत अधिगम के साथ में। कौन किसकी बात कर रहे हैं? रॉबर्ट गेने के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। रॉबर्ट गेने अधिगम के 8 आयाम की बात कर रहा है। उस 8 आयाम के अंदर पहला है संकेत या अनुबंध अनुक्रिया अधिगम। तो संकेत का मतलब क्या है? जैसे घंटी बजती है तो कुत्ते के मुंह में लार आती है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, भोजन आता ना, भोजन, तो भोजन के आधार के ऊपर और कुत्ता लार टपकाता है, तो वहां पर यह संकेत अधिगम है। क्या है? संकेत अधिगम है। माँ की आवाज सुनकर के बच्चा पहचान लेता है, संकेत अधिगम है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत स्किनर के ऊपर आधारित है। तीसरा बिंदु आता है, हम सरल से कठिन के क्रम में ऊपर चल रहे हैं, यह सरल प्रकार का सीखना है। उसके बाद में 2 नंबर उद्दीपक अनुक्रिया, और तीसरा है गत्यात्मक श्रृंखला या अशाब्दिक अधिगम। नाम सुनना, गत्यात्मक श्रृंखला, यानी एक इस प्रकार की श्रृंखला जिसमें क्या होती हो? जिसमें गति होती हो। क्या होती हो? गति होती हो। गति किसमें होती है? हमारी मांसपेशियों में होती है। गति किसमें होती है? हमारी मांसपेशियों में। तो ये मोटर चेनिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मोटर चेनिंग। जैसे आप स्कूटर चलाना सीखते हो, जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हो, तो उसके अंदर गत्यात्मक श्रृंखला होती है। कैसी श्रृंखला होती है? गत्यात्मक श्रृंखला होती है। जैसे आप मान लीजिए कि घर का और दरवाजा खोल करके घर के अंदर आप प्रवेश करते हो और विभिन्न तरह के काम करते हो, जिन एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से, जिसके अंदर मांसपेशियों की गति होती है, तो हम उसको कहेंगे गत्यात्मक श्रृंखला। क्या कहेंगे? गत्यात्मक श्रृंखला। एक तो श्रृंखला होती है शब्दों की, शाब्दिक श्रृंखला, और एक होती है गत्यात्मक श्रृंखला, का मतलब है मोटर चेनिंग, यानी आपके शरीर की मांसपेशियों के अंदर गति होती है। जैसे आप मोटर गाड़ी चला रहे हो, तो जब गाड़ी चला रहे हो तो साथियों आप दरवाजा खोलते हो गाड़ी का, सीट पर बैठते हो, सीट बेल्ट लगाते हो, चाबी लगाते हो, स्टार्ट करते हो, आप विभिन्न तरह का क्लच गियर वगैरह लेते हो, उसके बाद में गाड़ी को स्टार्ट करते हो। यह किस प्रकार का अधिगम है? यह गत्यात्मक श्रृंखला प्रकार का अधिगम है।
और आपके शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंदर इसी प्रकार का श्रृंखलन अधिगम प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया था। कि एक लड़की आती है और वो अपना जो पर्स है, अपना जो बैग है, उसको हर कहीं पर पटक देती। कोट कोट का उल्लेख आपके शिक्षक पात्रता परीक्षा शायद 12 या उसके अगली एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वहां पर श्रृंखला अधिगम की बात हुई थी। गत्यात्मक श्रृंखला का मतलब है, या गत्यात्मक अशाब्दिक श्रृंखला का मतलब है, जिसमें मांसपेशियां, हमारे शरीर की जो कर्मेंद्रियां हैं, हमारे शरीर के जो हाथ वगैरह, हमारी मांसपेशियां वगैरह, उनके अंदर एक विशेष प्रकार की आप श्रृंखलाबद्ध व्यवहार करते हो। जैसे मैंने आपको दरवाजे खोलने का उदाहरण दिया, गाड़ी को चलाने का उदाहरण दिया, उन सब के अंदर गत्यात्मक श्रृंखला अधिगम है। यहां पर पेशीय रूप से सीखना होता, किस रूप में? पेशीय रूप में सीखना होता है। इसको आप यूं भी कह सकते हो कि आपके शरीर की जो मांसपेशियां होती है वो विशेष प्रकार का व्यवहार करना सीखती है। अगला बिंदु आया है श्रृंखला का नाम है, तो यहां पर भी एक श्रृंखला का नाम है, इसका नाम है शाब्दिक श्रृंखला। क्या नाम है? शाब्दिक श्रृंखला। यहां पर क्या पढ़ा था आपने? अशाब्दिक श्रृंखला। और यहां पर क्या है? शाब्दिक श्रृंखला। कितने नंबर पर है? 4 नंबर पर। कहां से? नीचे से। शाब्दिक श्रृंखला का मतलब साथियों ये होता है, आप कई बार देखते हो, जैसे मैं आपको यह कह दूं कि भाई अम्र है, आम है, आम, और इसके पर्यायवाची शब्द बताओ, तो आप एक शब्द के विभिन्न तरह के पर्यायवाची शब्द बताते हो। यह आपका शाब्दिक श्रृंखलन अधिगम है। किस प्रकार का शाब्दिक श्रृंखलन अधिगम है? मैं आपको यह कहूं कि भाई आप एक कविता सुनाओ, एक कविता को आपको सिखाया जाता है, आप एक कविता सुनाते हो, तो कविता को जब याद कर लेते हो, आप एक पोइम याद कर लेते हो, तो उसके अंदर भी श्रृंखलाबद्ध तरीके से शब्दों को आप सीखते चले जाते हो। तो रॉबर्ट गेने के अकॉर्डिंग ये शाब्दिक श्रृंखलन अधिगम है। क्या है? शाब्दिक श्रृंखलन अधिगम है। मान लीजिए कि गुरुजी आपको एक कहानी सुनाते हैं, एक राजा एक रानी या एक जंगल की शेर की कहानी सुनाते हैं, तो उसमें भी श्रृंखलाबद्ध यानी वर्बल चेनिंग है, शाब्दिक श्रृंखला है। कितने कितने अधिगम के प्रकार हो गए? 4 प्रकार हो गए। पहला कौन सा है? संकेत अधिगम है। दूसरा कौन सा है? उद्दीपक अनुक्रिया है। तीसरा कौन सा है? तीसरा आपका है अशाब्दिक श्रृंखलन अधिगम है। और चौथा कौन सा है? चौथा है आपका शाब्दिक श्रृंखलन। और ये क्या था? अशाब्दिक श्रृंखलन। ये 4 है। अब यहां पर एक बात का और ध्यान रखो, ये जो 3 है ना, ये 3 संकेत, नंबर 2 उद्दीपक अनुक्रिया, नंबर 3 गत्यात्मक श्रृंखलन अधिगम, ये तीनों व्यवहारात्मक है, ये बिहेवियरल लर्निंग है, ये व्यवहारगत सीखना, व्यवहारगत सीखना। लेकिन एक गुरुजी के लिए, एक अध्यापक के लिए, एक शिक्षक के लिए शुरुआत जो होती है शाब्दिक से होती है। एक गुरुजी बच्चों को शाब्दिक श्रृंखलन, विभेदन, संप्रत्य अधिगम, अधिनियम अधिगम, समस्या समाधान की दिशा में आगे चलता है। तो अध्यापक के लिए ये जो 4 से लेकर के 8 तक का जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंस है, इसका बड़ा महत्व है। ये जो 3 आपके अधिगम के प्रकार हैं, ये व्यवहारगत प्रकार के अधिगम श्रृंखलाएं हैं। ये आप यूं कह सकते हो, इनके साथ ही बच्चा विद्यालय में पहुंचता है, इनके साथ ही बच्चा विद्यालय में पहुंचता है। ये अपने आप ही बच्चे के अंदर विभिन्न अवसरों के ऊपर ये चीजें डेवलप हो जाती है, और इन्हें योग्यताओं के साथ में बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है। ये आगे के जो अधिगम के प्रकार हैं, यहां पर अध्यापक है वो बच्चों को सीखने के अंदर मदद करता। 4 नंबर पर शाब्दिक श्रृंखला आ गई। परीक्षा में प्रश्न क्या आएगा? परीक्षा के अंदर जो क्वेश्चन आएगा साथियों, वो ये आएगा कि रॉबर्ट गेने के अनुसार कौन सा अधिगम का प्रकार उच्च स्तर पर है। जैसे ये 4 नाम आ गए, ये 4 नाम आ गए, शाब्दिक श्रृंखलन, गत्यात्मक श्रृंखलन, उद्दीपक अनुक्रिया और संकेत अधिगम। तो आपको ध्यान देना है कि नंबर 1 पर कौन है? सबसे प्रारंभिक स्तर का कौन सा है? संकेत। नंबर 2 पर कौन सा है? उद्दीपक अनुक्रिया। नंबर 3 पर क्या है? गत्यात्मक। और नंबर 4 पर क्या है? शाब्दिक श्रृंखला। अगर इन 4 के अंदर उच्च स्तर का पूछे तो क्या बताओगे? शाब्दिक श्रृंखलन आएगा। अगर आप में से यह पूछा जाए कि इनमें से सबसे कमजोर या आधारभूत प्रकार का कौन सा है,
तो आप संकेत में आओगे। सबसे नीचे के स्तर का कौन सा है? संकेत में आओगे। और अब इसी क्रम के अंदर आगे बढ़ना, आपको मैं बता देता हूं कि जैसे फर्स्ट ग्रेड 2020 का एग्जाम जो हुआ है उसके अंदर यह प्रश्न पूछा, यहां पर 6 नंबर का पूछा, रॉबर्ट गेने के अनुसार जो ये पिरामिड है उसमें 6 नंबर पर, छठे नंबर पर कौन सा अधिगम का प्रकार आता है? तो आपको राइट आंसर देना था संप्रत्यय अधिगम, कॉन्सेप्ट अवधारणा अधिगम, अवधारणा अधिगम। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो इसको आपको, जैसे मैं आपको ये विषय वस्तु समझाता जा रहा हूं लेकिन आपको क्रमबद्ध तरीके से ये चीजें आपको पढ़नी ही पड़ेगी और क्रमबद्ध तरीके से याद करनी पड़ेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। आगे आया है आपका 5 नंबर पर अपवृत्त विभेदन या बहुभेदीय, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है साथियों, विभिन्न आकृतियां हैं, विभिन्न नियम हैं, विभिन्न शब्द हैं, विभिन्न अवधारणाएं हैं, उनके अंदर क्या करना है? अंतर करना। जैसे एक त्रिभुज है और एक आपका चतुर्भुज है, तो इनके अंदर समानता भी आएगी, उनके अंदर क्या आएगा? अंतर भी आएगा। तो जब हम समानता और अंतर की बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम वहां पर मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, हम वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। ये क्या है? ये वर्गीकरण है। ये क्या है? ये वर्गीकरण है साथियों, ये अंतर करना है। अपवृत्त विभेदन या बहुभेदीय, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, किस प्रकार का अधिगम? जिस अधिगम के अंदर दो अवधारणाओं में अंतर किया जाता है। अगला बिंदु आता है आपका संप्रत्यय अधिगम, कॉन्सेप्ट लर्निंग, कितने नंबर पर है? 6 नंबर पर है। कितने नंबर पर है? 6 नंबर पर है। किसके बाद में आता है? वर्गीकरण विभेदन के बाद में आता है, यानी किसका अनुगमन करता है? अपवर्त्य विभेदन के बाद में संप्रत्यय अधिगम आता, अवधारणा अधिगम आता, कॉन्सेप्ट लर्निंग आता है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां से सीधा प्रश्न पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन पूछा गया है आपके फर्स्ट ग्रेड में, मध्य प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन पूछा गया। यह पूछा गया कि यह जो संप्रत्यय अधिगम है यह किसका अनुगमन करता है, यानी यह किसके बाद में आता है? यह आता है विभेदन वर्गीकरण के बाद में आता है, बहुभेदीय के बाद में आता है, वर्गीकरण के बाद में आता है। यह बिंदु जो है, यह जो बिंदु है, क्योंकि आप में से ज्यादातर जो बच्चे हैं, ज्यादातर बच्चे ने यह नहीं पढ़ा है, मुझे जानकारी है कि बच्चे कहां तक विषय वस्तु को पढ़ते हैं और कहां पर जाकर के रुक जाते हैं, तो यह विषय वस्तु आप में से ज्यादातर बच्चों के लिए नई है, लेकिन यह बड़ी इंपॉर्टेंट है। शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंदर सीधा प्रश्न पूछा गया है और जैसे भी प्रश्न बन सकते हैं, तो मैं पूरे आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इसमें जो भी प्रश्न बने हैं उसका किस प्रकार का और शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे, सेंटेंस कैसा बनेगा, प्रश्न किस प्रकार का बनेगा। तो यहां पर रॉबर्ट गेने के अकॉर्डिंग अधिगम के 8 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार हैं। और उसमें सबसे प्रारंभिक स्तर का कौन सा? संकेत अधिगम है। और सबसे उच्च स्तर पर कौन सा? समस्या समाधान है। उसके बाद में ये बीच में आएंगे तो इसमें सीक्वेंस पूछा जाएगा, तो आप इसको याद करोगे, एक बार बोलोगे मेरे साथ में संकेत अधिगम, दूसरा प्रकार बोलोगे उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, तीसरा बोलोगे गत्यात्मक अशाब्दिक अधिगम, चौथा बोलोगे शाब्दिक अधिगम, पांचवा बोलोगे बहुभेदीय विभेदीकरण। बहुभेदीय का मतलब क्या होता है? विभेदीकरण, वर्गीकरण। और छठे नंबर पर क्या? कॉन्सेप्ट अवधारणा, यानी संप्रत्य अधिगम। संप्रत्य अधिगम की कॉन्सेप्ट की बात जब आती है, अवधारणा की बात आती है, तो आपके दिमाग में आता होगा कि सर ये किस बला का नाम है? तो कॉन्सेप्ट या संप्रत्य अधिगम का मतलब होता है जब जो विषय वस्तु है, एक ही प्रकार की जो विषय वस्तु है उसके आधार पर जब आप एक कोई एक आप यूं कह सकते हो कि एक नियम निकालते हो ना आप, उसमें से एक नियम जब निकालते हो, यानी एक उसके अंदर कॉन्सेप्ट निकालते हो आप, उसमें से एक तथ्य निकालते हो,
जो उसको ठीक तरीके से डिफाइन कर सके। जैसे मान लीजिए कि एक शेर का नाम बोल दिया, शेर शेर है, बाघ है, उसके बाद में तेंदुआ है, उसके बाद में मान लीजिए कि आप लकड़बग्घा है, उसके बाद में अन्य जंगली जीव जंतुओं के नाम बोलेंगे। अब एक बच्चा यह कहता है कि ये जो सभी के सभी है ना, ये जंगली पशु हैं, ये जंगली जीव जंतु हैं। इसका मतलब है जंगली जीव जंतु क्या है, संप्रत्य अधिगम है। आपने एक कॉन्सेप्ट निकाल लिया, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से आपने एक कॉन्सेप्ट निकाल लिया। जैसे कई वस्तुओं का जो सामान्य गुण है, कई जीव जंतुओं के जो सामान्य गुण है, उन सामान्य गुणों के आधार के ऊपर आपने क्या निकाल लिया, एक विशेष अर्थ निकाल लिया। आप इसको यूं लिख सकते हो, कई वस्तुओं के गुणों के आधार पर विशेष अर्थ निकालना। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे इसका आप उदाहरण लिख सकते हो कि उदाहरण कैसे आ जाएगा, जैसे मान लीजिए कि शेर है, जैसे मान लीजिए कि तेंदुआ है, जैसे मान लीजिए कि आपका बघेरा है, जैसे आपका मान लीजिए लकड़बग्घा है, अन्य जंगली जीव जंतु है। तो इन सब के आधार के ऊपर आपने क्या एक अर्थ निकाला है कि ये सभी के सभी कैसे जीव जंतु है, ये जंगली जीव जंतु है, जंगली जीव है। तो ये जंगली जीव एक संप्रत्यय कॉन्सेप्ट निकाला आपने, उसके एक अवधारणा निकाली है आपने, संप्रत्यय निकाला है। तो ध्यान देना कि संप्रत्यय अधिगम क्या होता है, जब विभिन्न वस्तुएं हैं, जब विभिन्न तरीके की विशेषताएं, उन सब के आधार पर जब आप एक विशेष अर्थ निकालते हो ना, इसका मतलब है कि आपने कॉन्सेप्ट को सीख लिया, आप कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया है। तो यहां पर शेर, तेंदुआ, बघेरा, लकड़बग्घा, इनके आधार पर बच्चे ने क्या कहा कि ये सभी के सभी क्या है, ये जंगली जीव जंतु है। तो जंगली जीव जंतु एक कॉन्सेप्ट निकालना हुआ उसका। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट कब निकलेगा, जब आप क्या कर पाओगे, जब आप विभेदीकरण कर पाओगे, जब आप अंतर कर पाओगे। अंतर करना सीखने के बाद में ही संप्रत्यय अधिगम कर पाओगे आप। देखो रॉबर्ट गिने ने काम तो किया भाई, तकड़ा काम किया, तभी तो देखो इनकी जो सीक्वेंस चलती है ना, वो आपके समझ में आती हुई चलती है। मतलब एक साइंटिफिक है, ऐसे नहीं है। आप इस चीज को जब तक हम अंतर करना नहीं जानेंगे ना, तब तक हम कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे। यानी शाकाहारी जीव जंतु भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, पालतू भी होते हैं, जंगली भी होते हैं। तो ये हम जब अंतर सीख जाएंगे, तभी तो आप इनको जंगली कहने का कॉन्सेप्ट को आप समझ पाए। इसके बाद में 7 नंबर पर आता है अधिनियम। अधिनियम क्या है, रूल लर्निंग। यानी अधिनियम अधिगम, ये किसके बाद में आया, यह आया कॉन्सेप्ट लर्निंग के बाद में। अवधारणा अधिगम के बाद में आया है अधिनियम अधिगम, नियम अधिगम भी कहते हैं इसको। यानी आप यूं कह सकते हो कि संप्रत्यय अधिगम से उच्च स्तर का अधिगम है ये। कौन सा, अधिनियम अधिगम। इसमें क्या होता है, इसमें क्या करता है, बच्चा जो होता है, बालक जो होता है, वो विभिन्न नियमों के माध्यम से, विभिन्न वस्तुओं से जुड़े हुए, विभिन्न अवधारणाओं से जुड़े हुए नियमों के आधार के ऊपर नई विषय वस्तु को सीखता है। किसके आधार पर, नियमों के आधार पर, दो वस्तुओं के बीच में संबंध स्थापित करके और वो नियम को सीखता है। दो वस्तुओं के बीच में, दो अवधारणाओं के बीच में संबंध स्थापित करके, जैसे देखो मैं आपको इसका एक उदाहरण बताता हूं। हाँ, जैसे ये बिंदु आया है आपका अधिनियम या नियम अधिगम। नियम अधिगम का अर्थ यह है, नियम अधिगम का अर्थ यह है, क्या बच्चा कब,
हाँ, ये बार बार आप इनको सीक्वेंस से लिखोगे तो आपके याद हो जाएगा, ये सीक्वेंस से लिखोगे तो आपके ये चीजें याद हो जाएगी। एक बार आप इन सभी को सीक्वेंस से लिख लोगे ना तो याद हो जाएगा, और बार बार आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि जो विषय वस्तु है वो नई है। विषय वस्तु रीत के बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन अच्छे जो प्रश्न आते हैं वो यहां से उठाए जाते हैं। सामान्य प्रश्न ज्यादातर बच्चों के सही होंगे। हम तो इस पर बात कर रहे हैं कि 1:99, भाई जब भी 100 बच्चे परीक्षा के अंदर बैठेंगे तो नौकरी 1% बच्चों की लगनी है। परीक्षा है वो 100 बच्चे देंगे, 99 बच्चे जो होते हैं उनको सफलता हाथ नहीं लगेगी। तो हमें 1% में आना है। किस में आना है? 1% में। तो 1% में आने के लिए आपके तरीके 1% जैसे होने चाहिए, आपके तरीके 99% जैसे हैं, तो हम हमेशा 99% में बने रहेंगे और 99% बच्चों को जॉब कभी नहीं मिलता है। तो आप, ये विषय वस्तु थोड़ी सी टिपिकल टाइप की है आपके लिए, बहुत सारे बच्चों के लिए जिन्होंने अभी बीएससी बीएड वगैरह किया या जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए हो सकता है कि थोड़ी सी तकलीफ हो रही हो, लेकिन जब आप 2-3 बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। आपको एक एक बिंदु को बहुत ही सहज सरल वे में आपको बताया जा रहा है। अधिनियम अधिगम का मतलब ये होता है दो वस्तुओं के बीच में संबंध स्थापित करता आदमी। आप इसको यूं समझ सकते हो, दो वस्तुओं के मध्य, या अवधारणाओं के मध्य, संबंध स्थापित करता है, जैसे आप इसका एक जस्ट मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। मान लीजिए कि जो गोल वस्तुएं होती है, वो लुढ़कती है। गोल वस्तुएं क्या होती है? लुढ़कती है। तो वहां पर बात जो आएगी वो नियम की बात आएगी, दो वस्तुओं के बीच में संबंध की बात आएगी, यानी जो वस्तु गोल होगी ना वही लुढ़केगी। तो बच्चे के एक तो क्या लुढ़कने की समझ होनी चाहिए, अवधारणा का पता होना चाहिए, लुढ़कना किसको कहते हैं, और एक अवधारणा उसके दिमाग में यह होनी चाहिए कि गोल वस्तुएं कौन सी होती है। तो जो वस्तुएं हैं वो गोल वस्तुएं लुढ़केगी, और हमारा जो साथी हो आपको यह पता रहना चाहिए कि लुढ़कना, किस प्रकार से होता है, ऊंचाई से ढलान की दिशा के अंदर लुढ़कना आसान होता है, और जो गोल वस्तुएं होती है वो लुढ़कती है। तो यहां पर अधिनियम अधिगम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अधिनियम अधिगम की बात हो रही है, रूल लर्निंग की बात हो रही है। किसके अकॉर्डिंग? रॉबर्ट गिने के अकॉर्डिंग। अधिनियम यानी नियम अधिगम जो है वो किस से बड़ा है? संप्रत्य अधिगम से, अवधारणा अधिगम से ऊपर है। और अंतिम क्या है? समस्या समाधान प्रकार का अधिगम है। कैसा? समस्या समाधान प्रकार का अधिगम, जिसमें जो समस्याएं होती है, जो तकलीफें होती है, उनका सॉल्यूशन निकालना एक इंसान का बच्चा सीखता है। रॉबर्ट गेने के अनुसार समस्या समाधान का जो अधिगम है यह सबसे उच्च स्तर का है, और यह किसके बात आता है? नियम के बात आता है। समस्याओं के जो सॉल्यूशन निकलते हैं वो नियम के आधार पर निकलते हैं, यहां पर संप्रत्य जो है उनका इस्तेमाल करके दो वस्तुओं के बीच में संबंध स्थापित करके आप नियम बनाते हो। तो आप इसको यूं समझ सकते हो कि इसके जस्ट पीछे वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो आगे की विषय वस्तु को समझने में आपको मदद करता है। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, रॉबर्ट गेने हैं वो अधिगम के प्रकारों की बात कर रहे हैं। जैसे पिछले सेशन के अंदर है वो हमने अधिगम के विभिन्न प्रकार पढ़े थे, उसी क्रम के अंदर हम पढ़ रहे हैं रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम के आयाम या अधिगम के प्रकार। तो अधिगम के इस प्रकार के, इसका जो उल्लेख किया है वो रॉबर्ट गेने की पुस्तक है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। क्या नाम है पुस्तक का? द कंडीशंस ऑफ लर्निंग है ये, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, यानी सीखने की
स्थितियां, सीखने की परिस्थितियां, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, किसकी पुस्तक है? रॉबर्ट गेने की। कई जगह के ऊपर आपको यह भी मिलेगा, इसका गेगनी नाम मिलेगा आपको, कई जगह के ऊपर आपको नाम गेने मिलेगा। तो ध्यान देना, ये दोनों एक ही नाम है, गेगनी गेने ये एक ही नाम है, और ये दोनों ही परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। 1965 के अंदर ये किताब लिखी गई थी, कब? 1965 के अंदर पुस्तक लिखी गई थी। क्या नाम है? द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। आपका पता है फर्स्ट ग्रेडर सेकंड ग्रेडर शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो यहां पर कभी कभार एक पुस्तक का प्रश्न आ जाता है। तो ये चुनिंदा पुस्तकें हैं, लगभग 25-30 पुस्तकें हैं शिक्षा मनोविज्ञान में, जहां से अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, तो वो आप बार बार पढ़ोगे, उनमें से किताब ये भी है। तो यहां पर रॉबर्ट गेने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं? अधिगम के उन्होंने 8 प्रकारों का उल्लेख किया है। कितने प्रकारों का? 8 प्रकारों का उल्लेख किया है। पहला कौन सा है? पहला है आपका संकेत अधिगम। दूसरा कौन सा है? उद्दीपक अनुक्रिया। मैंने बोला था संकेत अधिगम का उदाहरण क्या है? पावलोव का जो सिद्धांत है वो संकेत अधिगम का उदाहरण है। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम है वो किसका उदाहरण है? स्किनर का जो सिद्धांत है वो उद्दीपक अनुक्रिया का उदाहरण है। गत्यात्मक श्रृंखलागत या अशाब्दिक अधिगम का उदाहरण मैंने आपको बताया था, जैसे आप मोटरसाइकिल गाड़ी वगैरह चलाना सीखते हो तो उसके अंदर आपकी मांसपेशियों में गति होती है, दरवाजे वगैरह खोलते हो जिसमें आपकी मांसपेशियों के अंदर गति होती है, गत्यात्मक अशाब्दिक श्रृंखलागत अधिगम है। शाब्दिक श्रृंखलागत अधिगम में क्या आता है? शाब्दिक श्रृंखलागत अधिगम के अंतर्गत जैसे शब्दों की श्रृंखला को आप श्रृंखलाबद्ध तरीके से सीखते हो, जैसे एक शब्द के पर्यायवाची शब्द सीख रहे हो, एक शब्द का है वो आप विलोम शब्द सीख रहे हो, जैसे आप कोई कहानी सीख रहे हो, जैसे आप कोई कविता है वो सीख रहे हो, तो वो सभी का सभी शाब्दिक श्रृंखलागत अधिगम है। इसके बाद में हमने पढ़ा था विभेदन, यानी विभेदन या बहुभेदी, इसको और क्या बोलते हैं? वर्गीकरण करना, तुलना करना, समानता बताना। उसके बाद में क्या आता? कॉन्सेप्ट अवधारणा को जानना। उसके बाद में क्या है? नियम बनाना। दो वस्तुओं के बीच में जब आप संबंध स्थापित करने की बात करते हो, दो वस्तुओं के बीच में संबंध स्थापित करने की बात करते हो, दो अवधारणाओं के बीच में संबंध स्थापित करने की बात करते हो, इसका मतलब आप है नियम अधिगम कर रहे हो। और अंतिम है, इस नियम अधिगम का इस्तेमाल करके आप समस्या का क्या करते हो? सॉल्यूशन करते हो। यह था आपका रॉबर्ट गेने का अधिगम के प्रकार। रॉबर्ट गेने ने कितने प्रकार बताए? 8 प्रकार के। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर इससे प्रश्न किस प्रकार के आएंगे, तो अब मैं आपको तमाम तरह के वो प्रश्न बता रहा हूं। क्या बोल रहा है? देखिए, जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है अधिगम के जो सिद्धांत में आता है, अधिगम के जो सिद्धांतों में जब बात आती है, तो अधिगम के सिद्धांतों के अंदर जो खास बात है वह स्किनर का थोंडोई का, पावलव का, ये तीनों ही सिद्धांत उद्दीपक अनुक्रिया पर आधारित हैं। किस पर आधारित है? उद्दीपक अनुक्रिया पर आधारित है। तो उद्दीपक अनुक्रिया उन सिद्धांतों में सभी में है, लेकिन इन्होंने जो अपने 8 प्रकार समझाए हैं ना अधिगम के, इसके लिए जिन्होंने अलग अलग प्रकार इस्तेमाल किए, तो मैं आपको वो उदाहरण बता रहा हूं। देखो, जैसे संकेत अधिगम के अंदर है घंटी की आवाज, ये संकेत है। घंटी की आवाज क्या है? संकेत है। तो ये संकेत प्रकार का अधिगम है, लेकिन घंटी है वो स्किनर के सिद्धांत में बजी है क्या? स्किनर के सिद्धांत में नहीं बजी। लेकिन मैंने अधिगम के स्किनर के सिद्धांत की जब बात की, तो मैंने किसकी बात की? मैंने बात की आपकी उद्दीपक अनुक्रिया की। किसकी बात की? उद्दीपक अनुक्रिया की। तो उद्दीपक अनुक्रिया के अंदर स्किनर के सिद्धांत का मैंने रेफरेंस दिया है। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम में किसके सिद्धांत में? रॉबर्ट गेने के सिद्धांत की बात कर रहे हैं हम, और उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम की बात कर रहे हैं। रॉबर्ट गेने ये कहता है कि जब आप कहीं पर प्रबलित होते हो, जैसे इसका एक और उद्दीपक अनुक्रिया का और उदाहरण बताता हूं। गुरुजी कक्षा में आए
और गुरुजी के कक्षा के अंदर आने के ऊपर और बच्चे क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं, बच्चे खड़े हो जाते हैं। यहां पर उद्दीपक अनुक्रिया की बात की है, उद्दीपक अनुक्रिया की बात की है। यहां पर स्किनर ने एक बात ये और कही है, स्किनर ने जो स्किनर का जो सिद्धांत है उसकी बात कर रहा हूं मैं। स्किनर के सिद्धांत में आपका एक तो प्रयोग किया उसने कबूतर पर और एक प्रयोग किया उसने चूहे पर। आपने देखा होगा कि कबूतर एक प्लेट पर चोंच मारता है, प्लेट पर जब चोंच मारता तो दाना पानी मिलता है, उससे पहले अलग अलग जगह पर चोंच मारा था। अब जो जानबूझ करके ही कबूतर कहां पर चोंच मारेगा, प्लेट पर ही चोंच मारेगा, क्योंकि वहां पर चोंच मारने पर उसको क्या मिलता है, उसको प्रबलित किया जाता है, उसको खाने को कुछ दाना पानी मिल रहा है। अब यहां पर गिरने क्या करें, गिरने कह रहे हैं कि जो व्यवहार वहां पर जानबूझ करके किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, जानबूझ करके क्यों किया जा रहा है, सुखद अनुभूति होती है। तो जो व्यवहार ऐच्छिक रूप में है, व्यवहार क्या ऐच्छिक रूप में है, संकेत अधिगम के अंदर ऐच्छिक का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें उद्दीपक अनुक्रिया की बात हो रही है। इसमें यह आ रहा है कि उद्दीपक अनुक्रिया जब स्किनर की बात आती है तो उसके अंदर आता है कि जो व्यवहार जानबूझ करके किया जाता है, जैसे स्किनर के प्रयोग के अंदर कबूतर है वो प्लेट पर चोंच मारता है, चोंच पूरे के पूरे स्किनर बॉक्स में कहीं मार सकता है लेकिन कहीं पर भी मारने पर फायदा नहीं है, जब प्लेट पर ही मारता है तो दाना पानी मिलता है। तो यहां पर उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम जो है उसमें व्यवहार जानबूझ करके होता है, क्या होता है, जानबूझ करके होता है। जैसे सपोज करो आपका देखो जो उद्दीपक अनुक्रिया है, आपको उसको पावलो में स्किनर में थोंडोइक में वहां नहीं ले जाना है, आपको सिर्फ रॉबर्ट गेन्ने के संदर्भ में इसको समझना है। और रॉबर्ट गेन्ने कहता है कि जिस व्यवहार को करने से आपको सुखद अनुभूति होती है, जिस व्यवहार को करने से आपको सुखद अनुभूति होती है उस व्यवहार को आप सीख जाते हो, जहां पर उद्दीपक उद्दीपक के आधार पर आप क्या करते हो, अनुक्रिया करते हो। ध्यान दीजिए इनको आप अलग अलग समझोगे। यहां पर जो संकेत अधिगम है यहां पर केवल और केवल किसको पढ़ना है, आपको कंडीशनिंग सिद्धांत को पढ़ना है, किसके, पावलोव के सिद्धांत को। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम किसके सिद्धांत में, गेन्ने के सिद्धांत में जब बात होगी तो किसकी बात आएगी, स्किनर की बात आएगी, स्किनर की ही बात आएगी। तो चीजों को अलग अलग, जो चीजें उनको अलग अलग रूप में समझना है। जब अधिगम के सिद्धांतों की वैसी बात आएगी ना, अधिगम के सिद्धांतों की, तो पावलोव का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत है, थोंडोई का सिद्धांत, ये तीनों ही उद्दीपक अनुक्रिया पर आधारित है। लेकिन पावलोव ने इसमें जो रॉबर्ट गेन्ने उसमें उसने पर्टिकुलर पॉइंट को उठाया, उसने ये उठाया है कि कोई व्यवहार करने जो सुखद अनुभूति होती है ना, उस व्यवहार को हम सीख जाते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है। जिस व्यवहार को करने से उसको सुखद अनुभूति होती है, जैसे कबूतर ने प्लेट पर चोंच मारने से उसको दाना पानी मिलता है, सुखद अनुभूति होती है, तो वहां पर उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत होगा। अब आगे देखिए साथियों, ये आपसे जो अंग्रेजी के अंदर आया है उसमें यहां पर देखना, ये जो तीन अधिगम है, कौन सा, एक तो आपका संकेत अधिगम का है, संकेत अधिगम का है, इसके बाद में आपका उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है, उसके बाद में आपका जो श्रृंखला अधिगम, श्रृंखला अधिगम, इन अधिगमों को बिहेवियर एस्पेक्ट से जोड़ा गया, व्यवहार से जोड़ा गया, और ऊपर के जो अधिगम है उनको जोड़ा गया कॉग्निटिव एस्पेक्ट, कॉग्निटिव का मतलब क्या, संज्ञान से जोड़ा गया है, जिसकी उपयोगिता किसके लिए इंपॉर्टेंट है, अध्यापक के लिए इसकी उपयोगिता है वो ज्यादा है ऊपर के जो आपके सिद्धांत है चार, क्योंकि चार, तीन और चार है दोनों में श्रृंखलन है, तीन और चार में दोनों में श्रृंखलन है, तो श्रृंखलन वाला जो है उसको व्यवहार केंद्रीय माना गया, श्रृंखलन को, शाब्दिक श्रृंखलन और अशाब्दिक श्रृंखलन। लेकिन मैंने आपको इसमें यह भी बताया था कि एक अध्यापक के लिए शाब्दिक श्रृंखलन से इसका महत्व शुरू हो जाता है, कहां से, शाब्दिक श्रृंखलन से, शाब्दिक श्रृंखलन से लेकर के विभेदनकारी, संप्रत्यय, अधिनियम और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये पांचों ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, किसके लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, किसको क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक अधिगम के लिए,
संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, या अध्यापक के लिए। इन चीजों को तो बालक सीख करके आता है विद्यालय के अंदर, किसको, संकेत को, उद्दीपक अनुक्रिया को, गत्यात्मक श्रृंखला को। अब आगे देखिए, अब यहां पर परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, आप बताइए, उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला, बड़ी बड़ी कोचिंगों में मैंने तीसरे नंबर पर स्किनर पढ़ा, तीसरे नंबर के ऊपर स्किनर को कैसे पढ़ा, तीसरे नंबर पर क्या गत्यात्मक श्रृंखलन अशाब्दिक अधिगम है, तो इसमें कैसे पढ़ा, नहीं आएगा। स्किनर को आप दो नंबर पर ही पढ़ोगे, दो नंबर पर ही पढ़ोगे। और जब मैंने इसको लिया ना, तो मैंने आपको ये मान करके चले कि मेहनत करके और बच्चों के क्या तकलीफ आ सकती है उस सब पर स्टडी करके उसके बाद में मैंने लिया है, तो आप इसको सही मानिए। जो तीसरा जो है वहां पर तो नाम देखो, गत्यात्मक श्रृंखलन अधिगम है, गत्यात्मक श्रृंखलन अधिगम है, गत्यात्मक। और मैंने आपको उदाहरण बताया, मोटर गाड़ी वगैरह चलाते हो जिसके अंदर गति होती है, तो यहां पर यह बिंदु एकदम से स्पष्ट है, किसी भी तरह के कोई संदेह में जाने की जरूरत नहीं है। आपकी जितनी भी किताबें वगैरह हैं वो सारी मेरे पास में, मैं पढ़ता भी हूँ, मैं आपको जो चीज़ें रखता हूँ वो बड़ी सरल सहज वे में रखता हूँ, और वही चीज़ें मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा जिसको पढ़ने से आपका प्रश्न गलत नहीं हो। किसी ने कोचिंग में क्या पढ़ा दिया उसका नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पर बता दिया न, तो वो मैं एकदम से दावे के साथ कहता हूँ, मैं डाउट वाली जो चीज़ आती है वो मैं आपको बताता हूँ, कि देखो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें हुई है। मैं कोई भी मठाधीश वाली सी बात नहीं करूँगा, बड़ी स्पष्ट रूप में बात बताऊँगा कि जिससे आपका प्रश्न गलत नहीं हो। मेरा दिमाग ये काम करता है कि बच्चों का प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। मैं ये उस पर अडिग नहीं रहता हूँ कि मैं अंतिम सत्य हूँ, नो, मैं, मेरा थोड़ी है ये सिद्धांत, ये सिद्धांत तो रॉबर्ट गेने ने दिया। रॉबर्ट गेने ने ये दिया है, ये मैं कह सकता हूं कि रॉबर्ट गेने ने ये दिया है, ये मैं कह सकता हूं, लेकिन सिद्धांत रॉबर्ट गेने ने दिया, और रॉबर्ट गेने के इस सिद्धांत को मैं सरल तरीके से आपको बता रहा हूं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको किसी भी तरह के डाउट में उसमें रहने की जरूरत नहीं है। और एक इस चीज का ध्यान रखो कि जब आप बहुत जगह पर जाओगे न तो आपको नुकसान हो जाएगा, मैं ये भी बता देता हूँ, इसका भारी नुकसान हो जाता है, भारी नुकसान हो जाता है, आप मान करके चलिए। क्योंकि हो ये रहा है कि एक व्यक्ति ने दो चार चीज़ें, जैसे मैं आपको देखता हूँ, मेरे बहुत सारे बच्चों ने YouTube चैनल चला रखे हैं, मेरे स्टूडेंट ने चला रखे YouTube चैनल जो मेरे से यहाँ से पढ़े हुए हैं, लेकिन अब बच्चों ने मेरे यहाँ से पढ़ लिया, लेकिन वो बच्चे अभी तक मैच्योर नहीं हुए, क्योंकि उनका समय ज्ञान को ग्रहण करने का है। तो एसआर थ्योरी को मैंने कब कहा है, एसआर जो एस का मतलब है स्टिमुलस है, आर का मतलब रिस्पॉन्स है, एसआर थ्योरी। तो ये जो व्यवहारवादी सिद्धांत होते हैं ना, व्यवहारवादी सिद्धांत होते हैं, उन सभी सिद्धांतों के लिए भी एसआर थ्योरी शब्द इस्तेमाल किया जाता है। व्यवहारवादी जितने भी सिद्धांत है ना, व्यवहारवादी के अंदर जैसे मान लीजिए क्या आ जाएगा, आपका पावलव का आ जाएगा, आपका स्किनर का आ जाएगा, आपका थोंडोई का आ जाएगा, इन सब के अंदर उद्दीपक है, उन सब के अंदर अनुक्रिया है, इसलिए उनको एसआर थ्योरी कहते हैं। धीरे धीरे ठंड रखो आप, सारी चीजें आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब आगे चलो, देखिए मेरे लिए जब भी मैं आपके सामने आता हूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। ये जो आपकी क्लास है ये सब के लिए ओपन है, खुली है सब के लिए ये, तो यहां पर मेरे सामने चुनौती होती है। मैं कभी भी आदू बादू विषय वस्तु के साथ में नहीं आऊंगा, जब आऊंगा तो आपको नुकसान नहीं हो जाना चाहिए, आपको उससे फायदा हो और आप विभिन्न तरह के जो डाउट लेकर के चल रहे हो वो भी दूर हो, ये मेरा मकसद होता है, आपके इस विषय वस्तु की समझ सरल तरीके से डेवलप करना। अब आगे देखो, पहला प्रश्न है, जवाब दीजिए, पहला क्वेश्चन है ये लीजिए जी,
गेने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? क्वेश्चन नंबर वन, हाँ वेरी गुड। तो यहां पर अन्वेषण की कहीं पर भी बात नहीं हुई है, यहां पर अन्वेषण की कहीं पर भी बात नहीं हुई है, तो यह इसका प्रकार नहीं है। उद्दीपक अनुक्रिया है, संप्रत्य कॉन्सेप्ट फॉर्मिंग है, समस्या सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर टू, और ये लीजिए, और ये लीजिए आपका 15 सेकंड का समय। गेने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही है? ये 2020 में आया प्रश्न, ये 2020 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बढ़िया प्रश्न है जी। हाँ, अब इसका जो राइट आंसर है साथियों वह आता आपका नियम अधिगम संप्रत्य अधिगम का अनुगमन करता है। अब देखो नियम अधिगम संप्रत्य अधिगम का अनुगमन करता है, देखो यह रहा, यह था नियम अधिगम, तो यह इस संप्रत्य अधिगम का अनुगमन नहीं करता क्या? इसके बाद में तो यह आया है ना, अब आप लोगों ने यह एक कर दिया, ये तो सबसे नीचे है, तो यहां पर उद्दीपक अनुक्रिया दी है मैंने, यह संकेत का अनुगमन करता तो सही होता और आपने एक नंबर कर दिया, यह शब्दावली। तो इसका जो राइट आंसर है यानी जो आपका नियम अधिगम, जो नियम अधिगम है ना, यह संप्रत्य अधिगम का अनुगमन करता है। साथियों देखिए क्वेश्चन नंबर, नियम अधिगम संप्रत्य अधिगम का अनुगमन करता है, यानी संप्रत्य अधिगम के बाद में क्या आता है? नियम अधिगम आता है। दो नंबर राइट आंसर है। कब आया क्वेश्चन? क्वेश्चन 2020 में आया है। देखो ऐसी होती है गड़बड़ी साथी, ऐसी होती है गड़बड़ी। अब आगे देखो, हाँ चेंज मत करो, ज्यादातर बच्चों ने इसका अर्थ कुछ दूसरा निकाल लिया, ज्यादातर बच्चों ने इसका अर्थ अलग गलत निकाल लिया, तो इससे नुकसान हो जाएगा, इससे नुकसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री है। अब देखो आप सब लोगों ने पढ़ भी लिया, लेकिन क्योंकि उसका जो अर्थ था वो आपने कुछ और निकाल लिया। गेने के अनुसार सीखने का सबसे उच्च स्तर कौन सा होता है? यह भी 2020 में आया, देख लो ये भी 2020 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, सबसे उच्च स्तर कौन सा? क्वेश्चन नंबर थ्री, हाँ ठीक है। यहां पर आप सभी बच्चों ने राइट आंसर दिया, समस्या समाधान। क्वेश्चन नंबर चार, ये सभी के सभी जवाब दे दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। गेने ने अपनी पुस्तक दी कंडीशंस ऑफ लर्निंग, दी कंडीशंस ऑफ लर्निंग, ये किताब का नाम याद रखोगे पक्का, दी कंडीशंस ऑफ लर्निंग में सीखने के कितने प्रकार बताए हैं? आठ प्रकार बताए हैं। ये प्रश्न कहां पर आया है? ये एच स्टेट में आया है। कहां पर आया है? ये एच स्टेट में आया है। क्वेश्चन नंबर फाइव, गेने द्वारा प्रस्तावित अधिगम का पदानुक्रमिक उच्चतम स्तर है, पदानुक्रमिक उच्चतम स्तर है। देखो यह जो आपका पिरामिड बनता है, इस पिरामिड के अंदर सबसे ऊपर कौन सा है? पिरामिड में सबसे ऊपर कौन कौन है? तो यहां पर क्या आंसर आ रहा है आपका? ओहो समस्या समाधान है अधिगम। क्वेश्चन नंबर सिक्स, और क्वेश्चन नंबर जो सिक्स है अच्छा प्रश्न है। स्टार्ट, गेने के अधिगम पदानुक्रम में छठा स्तर निम्न होता है। यह मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में प्रश्न पूछा गया है।
मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंदर पूछा गया यह क्वेश्चन कि गेने के अधिगम पदानुक्रम में छठा स्तर निम्न होता है, उद्दीपक अनुक्रिया, अवधारणा अधिगम, भेदभाव अधिगम, नियम अधिगम। क्वेश्चन नंबर 6, वेरी गुड। तो यहां पर आपका राइट आंसर आ जाएगा अवधारणा अधिगम। क्वेश्चन नंबर 7, रॉबर्ट गेने के अधिगम अनुक्रम सिद्धांत में अधिगम के प्रकार सम्मिलित हैं। यह फर्स्ट ग्रेड में है तो इसके ऊपर तो ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, आप सभी के सभी बच्चे हैं वो राइट आंसर देने वाले हो। और इसके बाद में देखो ये दोबारा आया क्वेश्चन साथियों, दो पेपर में यह प्रश्न पूछा गया, दो पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया, रॉबर्ट गेने के अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई है, तो इसका भी राइट आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देखिए एक इस बात का ध्यान रखिए, हेमलता वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की गाइड मिलेगी क्या, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की गाइड तैयार हो रही है और अगले महीने के फर्स्ट वीक में आपको मिल जाएगी, अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको मिल जाएगी अल्टीमेट अद्भुत बहुत ही प्यारी रामबाण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी तैयार हो रही है जो आप सभी के लिए फर्स्ट ग्रेड और रीट दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी होगी। दो वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी एक साथ आ रही है, एक आ रही है फर्स्ट ग्रेड के बच्चों के लिए और एक आ रही है शिक्षक पात्रता परीक्षा के बच्चों के लिए। ये दोनों किताबें एक साथ लॉन्च हो रही है और अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको उपलब्ध हो जाएगी। अब दोस्तों आप जो बच्चे आपके यहां पर नए हैं, जो चैनल पर बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, BL रिवार्ड, BL रिवार्ड ये टेलीग्राम चैनल है, 9782501075 ये कॉन्टेक्ट नंबर है, दिन में 12 से 1 बजे के बीच में कॉन्टेक्ट कर सकते हो। BL रिवार्ड टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको PDF वगैरह मिल जाएगी, उसके अतिरिक्त वहां पर आपको मैसेज भी मिल जाता है, तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज्वाइन कर लो उसे, और इस चैनल को जो आपका चैनल है इस चैनल को भी आप शेयर कर सकते हो। देखिए पहला जो बटन है ये आपका लाइक का, दूसरा डिसलाइक का, तीसरा शेयर करने का है, तो आप जब भी इस चैनल पर अपने इस चैनल पर आओ फर्स्ट रैंक पर, तो हमेशा आहुति देनी है और आहुति 3 नंबर को बटन को दबाने से दी जाएगी, तो एक बार बोल दो ओम स्वाहा और 3 नंबर का बटन दबा दीजिए, 3 नंबर का जो शेयर करते हैं उसे दबा दीजिए। रात्रि को 9 बजे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।